अरविंदो सोसाइटी, एडीए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आगरा ऑप्स एंड गायनिक सोसाइटी द्वारा संजय पैलेस स्थित सूरसदन में स्वस्थ, सुदृढ़, समृद्ध, दिव्य संतान हेतु दो दिवसीय गर्भ संस्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राधा कृष्ण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कई समिति के संस्थापक मौजूद रहे। गर्भ संस्कार एक बहुत पुराना विषय है जिस जो सनातन धर्म में हमारे वेदों में आयुर्वेद में बहुत विस्तृत रूप से वर्णित है, किंतु काल के एक प्रवाह में वो धीरे धीरे थोड़ी कुछ देर के लिए सुषुप्त हो गया, किंतु आज वक्त का आज समय की डिमांड है, समय की ज़रूरत है कि गर्भ संस्कार को पुनः स्थापित करना है, क्योंकि इस समय युगांतर हो रहा है, यानी अभी कलयुग से सतयुग की ओर मानव बढ़ रहा है, मानव से अतिमानव की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे युग में जहाँ पर अब ये समझ में आ गया है कि केवल आर्थिक संपन्नता ही व्यक्ति को संतुष्ट और आत्म गौरव नहीं प्रदान करती, किंतु सब कुछ और है, यह विश्व समझ चुका है, और ये जो कुछ और है वह है अध्यात्म, और वह उसकी गहरी निधि, गहरी खाने हमारे हिंदुस्तान में है। तो पूरे विश्व को नेतृत्व करने के लिए ईश्वर ने हिंदुस्तान को हमेशा से चुना है आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए, और इस नेतृत्व के लिए हमें भारत की भूमि पर उस उन असीम शक्तिशाली और असीम गौरवशाली आत्माओं को उतारना है जिससे कि वो विश्व का नेतृत्व कर सकें। तो इसी को लेकर आज हम आगरा में पहल कर रहे हैं जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद। प्रमाणित स्तर पर हमारे पास इतने 27,000 से अधिक ऐसे सुखी परिवार और ऐसे दिव्य शिशु उपलब्ध है जो इस गर्भ संस्कार को प्रमाणित करते हैं। ये वेद और पुराणों से इसका उल्लेख आता है, और इसको कहीं ना कहीं आधुनिक काल के अंदर इस समय भुला दिया गया है, और इसको कहीं ना कहीं हम लौटा के दे रहे जिसके कारण वापस भारत को स्वर्णिम युग बनाने वाली संतानों को जन्म दिया जा सके। जय श्री कृष्ण।